साई संस्था शिरडी ने सिंहस्थ कुंभ मेले में की गई खरीदी में किया 66 लाख का घोटाला। शिरडी के श्री साई बाबा संस्था ट्रस्ट ने साल 2015 के सिंहस्थ कुंभ मेले की भीड़ के प्रबंध के लिए पुलिस की मांग के अनुसार सुरक्षा सामग्री खरीदी थी, जिसे वे अब तक वापस संस्था के हवाले नहीं की गई है। हिंदू विज्ञ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त भारत का दावा कर रहे हैं, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस भ्रष्टाचार के विषय में निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में वीरेंद्र इचलकरंजीकर से। के लिए जो खर्चा साई बाबा मंदिर ने किया, तो वो खर्चे में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। पुलिस के लिए शिरडी सेवा संस्थान ने 1.45 करोड़ का परचेस किया था। अब ये जो रेट्स है, वो रेट है अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक ने, एसपी ने दिए हुए बजट रेट्स और एक्चुअल रेट्स, ये मैंने मंत्रालय से आरटीआई में लिया हुआ कागजात है, जो मेरा खुद का नहीं है। ये उन्होंने पूछा है शिरडी मंदिर को कि इसका एक्सप्लेनेशन आप हमें दीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 60,000 की चीज़ उन्होंने 18.5 लाख में ली है, उसमें 5,000 की चीज़ उन्होंने तकरीबन 16,000 में ली है, 5,000 का और 16,000 का, तो ये कुल मिला के रकम होती है 66 लाख की, जो ऐसे तरीके से भ्रष्टाचार में गया है। और ये सैंपल है, 57 करोड़ में ऐसा कितना गया है ये देखने की आवश्यकता है। इसमें हम इसमें आंदोलन करेंगे, उसमें पीएल करेंगे, जो भी है, क्योंकि इसमें मंदिर ने शासन को अभी तक उत्तर नहीं दिया है, 1.25 साल बीत गया, ये एक बात थी। दूसरा ऐसा है कि कानून में तरतूद ना होते हुए 500 कोटी रुपया ये अहमदनगर के निर्वंडे जो डैम बन रहे, प्रोस्पेक्टेड डैम है और उसके जो कैनल बन रहे, तो इसके लिए दिया है। लगता ऐसे है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है विखे पाटिल, उनको पॉलिटिकली इनकन्वीनियंस ना हो, उनको इलेक्शन में आसानी हो, इसलिए ये पैसा दिया गया है, क्योंकि कानून में ऐसे तरीके से पैसा देने का प्रावधान नहीं है। ये मंत्रालय में ऑलरेडी ये ऑब्जेक्शन आ गया है। दूसरा ऐसा है कि जो पानी आएगा तो उसमें शिरडी को पानी मिलने वाला नहीं है। और तीसरा हमारा कहना है कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ, तो यही बीजेपी का गवर्नमेंट 70,000 कोटी रुपया का जो जलसिंचन घोटाला था, उसका आंदोलन करके आया था। ये विनोद तावड़े जी का तब का प्रेस नोट है, आंदोलन उन्होंने किया था, उन्होंने एविडेंस दिए थे। तो उस बारे में वो 70,000 कोटी रुपया पिछले 4 साल में इस सरकार ने वसूला नहीं है, तो वो पैसा लाते नहीं है और मंदिर का पैसा देते हैं, इसके ऊपर हमें आक्षेप है। और दूसरा, ये बीजेपी पार्टी के खुद के अकाउंट्स में 1,500 कोटी से भी ज़्यादा पैसा अभी पड़ा है, तो वो पैसा आपको क्यों चाहिए? आपको इलेक्शन के प्रचार के लिए चाहिए? आपको वो होर्डिंग्स लगाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए चाहिए? तो ये गलत बात है। फिर वो पैसा आप पहले दीजिए ये डैम के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए, बाद में आपको नैतिक अधिकार कहाँ पर मिल सकता है कि आप मंदिर के धन के बारे में बात करें? तो ये दोनों विषयों के बारे में हम आंदोलन याचिका ऐसे स्तर पे आगे जाने वाले हैं। ऐसा है कि हमने शिरडी देवस्थान को पूछा कि वो सब खरीदा गया सामान था वो कहाँ है, तो संस्थान कहता है कि वो हमने पुलिस को दिया है, 15 में पुलिस को दिया है, आज 18 चल रहा है, 500 रेनकोट है, बायनोक्यूलर्स है, ये सब चीज़ें पुलिस के पास वाकई में है क्या, उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, ये सब मंदिर ने देखना चाहिए था। असल में ऐसा है कि कानून के मुताबिक 50,000 के ऊपर की कोई भी चीज़ मंदिर दूसरे को नहीं दे सकता, उसको उसके पहले शासन की परवानगी चाहिए, तो ये परवानगी इनके पास नहीं है। और पुलिस के ऊपर मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है, सुरक्षा की बात थी तो इनको 2-2 टन के 2 AC क्यों लगते हैं? तो ये सब के बारे में पुलिस को भी पूछना चाहिए कि वस्तु असल में है कहाँ, ये सब भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, ऐसी हमारी धारणा है। ट्रस्ट है ये, 2004 से ये मंदिर शासन के कंट्रोल में है, तो शासन के कंट्रोल में जो भी मंदिर शासन ने लिए है, ये शासन का नाकम्मापन है, कहीं पे भी ठीक तरीके से व्यवस्थापन हो रहा है ऐसे नहीं है। आप सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई का देखिए, आप महालक्ष्मी मंदिर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति कोल्हापुर का देखिए, आप पंढरपुर का विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर देखिए, आप तुळजापुर का तुळजाभवानी मंदिर देखिए, ये 5वां मंदिर है। हर जगह पे ऐसे भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है।